कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए भक्तों प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं हूं साथियों स्पेस का एडमिन सोमरा शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से एक और नई व ताज़ा वीडियो लेकर आप सबके लिए उपस्थित। एक डिजिटली आप लोग दर्शन कीजिए माँ वैष्णो देवी के दरबार के, आज के खूबसूरत दिव्य दर्शन है। और मैं चाहूँगा आप अपने शहर का, आप अपने राज्य का भी नाम ज़रूर लिखें, ताकि इसी बहाने मुझे पता चले कि मेरे चाहने वाले जो हैं कहाँ कहाँ से इस समय जो है लाइव वीडियो देखते हैं या फिर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो इस प्रकार से साथियों मेरी जो आज की माँ वैष्णो देवी की यात्रा थी, लगभग मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा। सुबह 6:30 बजे दर्शन यानी बेस कैंप कटरा के लिए अग्रसर हुए थे भवन की ओर, और धीरे धीरे करते पूरी यात्रा मेरी जो रही 8 फुट यानी वॉकिंग करके ही भवन तक पहुंचा हूं। और खूबसूरत रास्ते का जो मिजाज, मौसम का और बाकी तमाम श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में देश के अलग अलग राज्यों से लगातार आ रहे हैं और माँ के प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन कर रहे हैं परिवार संग। इस प्रकार से साथियों आप लोग भी देख सकते हैं ये एक डिजिटली माँ वैष्णो देवी के दरबार के दर्शन। और अपनी इस जगजननी माँ वैष्णो देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि माँ हम सभी बच्चों को हमेशा सुख शांति उन्नति वृद्धि समृद्धि के साथ पूरा जीवन जो है खुशियों से गतिमान रखना। इसके साथ साथ ही साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सब जानते हैं पिछले लगभग कुछ महीनों से ही एक शुरुआत की थी कि एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप लोगों को मौसम के संबंधित जानकारियों के साथ साथ यात्रा के लिहाज से छोटी मोटी प्राथमिक जानकारियाँ देने का प्रयास, और आप सब ने मेरे इस काम की सराहना की, मोटिवेशन किया। और मैं आप सभी दोस्तों का, सभी चाहने वालों का बोलकर या लिखकर धन्यवाद तो नहीं करना चाहता, पर इतना ज़रूर है कि माँ वैष्णो देवी से यही प्रार्थना है कि माँ विशेष तौर पर मेरे सोशल मीडिया परिवार से जुड़े हुए सभी चाहने वालों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखना, सभी की झोलियाँ भरना, सबके दुखों को दूर करना। ये मेरी प्रार्थना हमेशा जब जब भी माता वैष्णो देवी के दरबार आने का मौका मिलता है मेरे को अपने चाहने वालों के साथ, जब भी माँ के दरबार यात्रा करने के लिए आता हूँ, तो वो कहते हैं ना कि साथियों दुनिया से मांगोगे तो ताने ही मिलेंगे, लेकिन अपनी इस माँ वैष्णो देवी से मांगोगे तो खजाने ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से साथियों माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद, भैरव बाबा जी की दर्शन करने के बाद संपूर्ण यात्रा कहलाई जाती है माँ वैष्णो देवी की, जो कि मैंने आज बाबा भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद सोचा कि मैं अपने एक डिजिटली परिवार जो है सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सभी को अपने अपने राज्य से मेरे चाहने वाले जो देखते हैं वीडियो, मैं उनके लिए एक डिजिटली दर्शन भवन के करवा लूँ। तो इस प्रकार से साथियों मेरी यात्रा आज संपूर्ण हो चुकी है, लेकिन फिर भगवती से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ हम सब बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखना। और चलते चलते आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आगामी दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई जानकारियाँ आपको चाहिए प्राथमिक, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा अपडेट को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ।